देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। सामूहिक विवाह योजना की लाभार्थियों को चेक भेंट करते हैं एसडीएम छाता वरुण पांडे व चेयरमैन छाता चंद्र प्रकाश बॉबी। 11 कन्याओं का सरकार ने दिया 20,000 रुपए के सरकारी कन्यादान का चेक। एसडीएम वरुण पांडे ने सामूहिक विवाह योजना की लाभार्थियों को चेक सौंपे। चेक बांटे गए सामूहिक विवाह योजना के तहत 11 जोड़ों का विवाह सम्पन्न कराया गया था नगर पंचायत छाता में, जिसमें 20,000 रुपए के चेक का वितरण किया गया है और बाकी विवाह की जो सामग्री होती है उसके लिए 15,000 रुपए अलग से प्राप्त हुए थे, जिसमें इनका खाना पीना टेंट सामान वगैरह रहता है। टोटल एक जोड़े पे 35,000 का खर्चा था। इन लोगों को लड़की के अकाउंट में 20,000 का चेक आज इन लोगों को दिया गया है और ये उम्मीद किया जा रहा है कि इनका दाम्पत्य जीवन आगे सुखमय रहेगा। तो लगभग कितने जोड़े हैं? 11 जोड़ों का। सरकार की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत मंगलवार को एसडीएम ने दो आयोजनों में शामिल हुए 11 जोड़ों को 20,000 रुपए के कन्यादान चेक वितरित किए। उन्होंने सामूहिक विवाह योजना को हर वर्ग के लिए हितकर बताया। मंगलवार को एसडीएम छाता वरुण कुमार पांडे ने सभागार में छाता में आयोजित दो अलग अलग सामूहिक विवाह की लाभार्थियों को कन्यादान चेक भेंट किए। बताते चले कि इस वर्ष 18 मई एवं 21 जुलाई में क्रमशः 8 एवं 14 जोड़े सामूहिक विवाह समारोह के तहत शादी के बंधन में बंधेंगे। 20 जोड़ों को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 20,000 रुपए के कन्यादान राशि के चेक मंगलवार को एसडीएम वरुण पांडे ने भेंट किए। उनके साथ चेयरमैन छाता चंद्र प्रकाश बॉबी भी मौजूद रहे। इस दौरान देवकी, नीतू, अनीता, गीता, सीता, चंचल, सोनू, सोनाली, अंजलि, मुकेश, नीता सहित 20 जोड़े उपस्थित रहे। एसडीएम वरुण पांडे ने कहा कि सामूहिक विवाह योजना हर वर्ग के लिए बेहतरीन है। मथुरा से ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी क्राइम न्यूज। देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग।